आज हम जा रहे हैं मेरे नानी के गांव, यानी कि प्यूरी गांव। वहां पे है आज मेला, तो आगे आप हमारे साथ बने रहें और आपको दिखाते हैं प्यूरी में मेला कैसे लगता है। हेलो यमो यमो तो अभी हम पहुंचे हैं नवोदय विद्यालय में और यहाँ पे आदित्य को छुट्टी मांगते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं वीरभद्र स्वामी जी के मंदिर के गेट पे और अभी आपको मंदिर दिखाते हैं। यह है मंदिर सामने। हमने भी सब बड़े बुजुर्ग क्यों ना चाहिए गए हैं और अब हम जा रहे हैं जेठोपी जी के यहाँ भात खाने के लिए। और सुंदर गेहूं के खेत देखो आप, ये खूबसूरत सा गांव है और यहाँ बहुत सारे मटर आलू पता नहीं क्या क्या सब्जी लगी हुई है और गेहूं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको सामने से मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, ये देखो इतनी खूबसूरत जगह आपने देखी है कहीं? जितनी खूबसूरत जगह त्यूड़ी है। फूफू का जेठो जी का घर पीछे से ये दिख रहा है और हमने खाना वाना खा लिया है, थोड़ा आराम भी कर दिया है, मेरा आज सर दर्द भी हो रहा है। और अब जाते हैं हम वहाँ पे जहाँ पे मेला लगता है, थोड़ा बोलदन तक होता है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और बताते हैं आगे यहाँ पे कैसे मेला लगता है। दिखाएं जेठो जी की जेठो जी है, मेरी जेठो की जेठो जी, और ये भी मेले जा रहे हैं। तो अभी हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं मेला देखने। ये है शॉर्टकट रास्ता। गेहूं की देखो पूरी हरी भरी खेती, खूबसूरत गांव। और यहां से जल्दी पहुंचेंगे हम वहां पे। Thank you.
और यहाँ पे पौराणिक रीति रिवाज से जागर हो रहे हैं, पर बहुत सारा हल्ला हो रहा है जिससे मैं आप लोगों तक जागर सुना नहीं पा रही हूँ। और यहाँ ऊपर जंगल से भगवान के लिए एक पेड़ आता है, चकड़ी बोलते हैं उसको, तो वो पेड़ कभी उस पर हथियार नहीं लगता है, ऐसा पेड़ होता है, तो उसको लेके आ रहे हैं। छोटे बच्चे जिनको अभी खाना नहीं खिलाया गया है, अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को यहाँ पे भगवान के भोग से अन्नप्राशन किया जाता है। के बाद यहाँ पे मुख्य कोथिक नंद मोर का कोथिक भी होता है। यहाँ पे जो सामने से बहुत सारी भीड़ है, मैं पास नहीं जा पा रही हूँ बहुत सारी भीड़ के कारण, तो यहाँ पे मेरे मामा जी हैं, वो नंद मोर बने हुए हैं, विचित्र रूप से उनको सजाया गया है, घास भूस से उनको सजाया जाता है, वो एक राक्षस होते हैं नंद मोर, और कृष्ण और बलराम के द्वारा उनका वध किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक मुख्य कोथिक भी है। अभी तैयारी हो गई है।
वापस मंदिर जाने की। और भीड़ भी बहुत कम हो गई। सामने है अमृतताल, तो कभी दूसरे दिन जाएंगे हम वहाँ पे। वहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आता है किसी के लिए। तो मैं अभी हूँ जाग देवता के मंदिर में, जहाँ पे कल जाग राजा का मेला लगा था, तो कल हम नहीं आ पाए। तो आज यहाँ मेले के बाद मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हूँ। Then we need to